ईशान खट्टर और करण जौहर के बीच हुआ पैचअप। करण जौहर और ईशान खट्टर ने प्रॉब्लम्स को भुलाकर साथ आने का किया फैसला। लेकिन क्या सच में करण जौहर ने ईशान खट्टर को अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म से निकालने का लिया था फैसला? अभी कुछ दिन पहले ही ये शॉकिंग न्यूज आई थी कि ईशान खट्टर से करण जौहर बहुत ज्यादा नाराज है, और इसकी वजह बताई गई थी एक खास मौके पर ईशान ने करण से रूडली बात की थी, जिसके बाद करण जौहर ने ईशान खट्टर से कहा था कि वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। इस न्यूज पर सबसे पहले कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया फिगर कमाल आर खान ने बात की थी, जिसके बाद कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली चंदेल ने भी करण जौहर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि करण एक्टर्स को बहुत कम पैसे देते हैं और यही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अब सोर्सेस से खबर मिली है कि ईशान खट्टर को लेकर सामने आई इस न्यूज में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, और ईशान अभी भी करण जौहर के साथ एक फिल्म कर रहे हैं। पर ये जरूर है कि ईशान ने उस पीआर कंपनी को छोड़ दिया है जो करण जौहर के टैलेंट्स को हैंडल करती है। फिल्म धड़क के बाद से ही ईशान की नेक्स्ट फिल्म को लेकर काफी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा था कि धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही वो अपनी नेक्स्ट फिल्म करेंगे, लेकिन फिर करण जौहर के साथ उनकी प्रॉब्लम्स की न्यूज सामने आई। वेल, लगता है फिलहाल करण और ईशान के बीच है ऑल इज वेल, और इनका हो गया है पैचअप। संदेश आगते, जू मुंबई।